निशान भी है। देखा आपने दांत के निशान? इससे मुझे एक बात सूझी है। कई बार ऐसा ही होता है, हम कहीं जाते हैं किसी और चीज की तलाश में, लेकिन वहां कुछ और मिल जाता है। मैं इस टापू पर आया और ये खुली खुली चोटी यहाँ एक से दूसरे किनारे तक फैली हुई है। मैं यहाँ पर दोनों तरफ से कब्जा कर लिया। सम्मान जताने के लिए आदिवासी जंगल में शिकार पर जाने से पहले यहाँ की रूहों से इतने अगर यहाँ दो पल खामोशी रहती है तो मेरे लिए शिकार के मौके बढ़ जाएंगे। ये तो जानता हूँ कि यहाँ पर जीव रहते हैं। इन टापुओं पर जीवों की भरमार है और वो एक से दूसरे टापू के बीच तैरते भी हैं। वो भी मेरी तरह पानी और खाने की तलाश में रहते हैं। कई बार जरूरी ये होता है कि रुक कर बस तमाशा देखा जाए। यहाँ हमें किसी तरह की हरकत पर नजर रखनी चाहिए। इस तरह से शिकार सकता है जब थोड़ा पीछे और दूसरी तरफ जाने पर। यहाँ पर इधर से उधर जाने पर कोई जीव मेरे फंदे की ओर जा सकता है। आदिवासियों के लिए तो दाढ़ी वाले शुकर खाने का एक मुख्य स्रोत है। दक्षिण पूर्वी एशिया में मैंग्रोव के वर्षावन उनके रहने की पसंदीदा जगह भी है। बेहद करीब है लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। नीचे बारिश भी शुरू हो गई, मुझे बहुत सावधान रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत क्या बात है, वो फंस गया। मिल गया शिकार। म्यूजिक डालना पड़ेगा इसमें मेरे को। बोलने लग गए, बोलने लग गए। होली खेल लिया? किसके साथ खेला? छत पे तो था नहीं है। हमारे छत पे था पूरे दिन। पड़ता ही क्या कर रहा था तेरे पापा? करते क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? दारू नहीं पिए? झूठ बोल रहा है। छोड़ देना, छोड़ दे। ये पापा के पैसे मांग रहा है।
पल्ली वापस नई वाली कर दी बेटा ना दिया होगा आपकी आर भी उसने नहीं कर दी बॉल पहुंचा दी मैं कड़ा आई केला आई को